नमस्कार, आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के साथ शायस्दीप में आपका स्वागत है। एमपी पुलिस की फिजिकल की डेट आ चुकी है। लगभग 4 महीने पहले मैंने आपको बता दिया था कि एमपी पुलिस का जो फिजिकल है वो जून में होगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। और लगभग 4 महीने पहले मैंने बताया था, क्योंकि मेरे एक अधिकारी से, पुलिस अधिकारी से बात हुई थी, उसी आधार पर मैंने आपको बताया था। तो एमपी पुलिस के फिजिकल में लगभग 10 जो है स्टेशन बनाए गए हैं जहां पर आपका फिजिकल होगा। ठीक है, इसको समझ देते हैं जरा क्या क्या लिखा है इस पूरी पीडीएफ में, फिर अपनी बात को आगे रखते हैं और किन बातों को आपको रखना है ध्यान, वो भी हम बताएंगे इस वीडियो के अंत में। तो शुरुआत करते हैं। ये लेटर जारी हुआ है आज 14 तारीख है और 14 जून को ये लेटर जारी हुआ है। फिजिकल की अगर सीधी डेट की बात करें तो वो कहाँ कहाँ है, किन किन जिलों में, तो भोपाल में है, इंदौर में है, जबलपुर में है, ग्वालियर में है, उज्जैन में है, सागर, रीवा, बालाघाट, रतलाम, मुरैना। जून जुलाई 2024 में आयोजित कराया जा रहा है और प्रत्येक केंद्र में 5000 उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन लगभग 200 उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर बुलाए जाएंगे। अच्छा, इसमें क्या क्या है, तो 800 मीटर की दौड़ है, लंबी कूद है और गोला फेंक है। और ये जो परीक्षा है ये आयोजित होगी 26 जून से लेकर के 24 जुलाई तक, तो लगभग 1 महीने पूरे ये फिजिकल चलेगा। उस पर भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे किस तरह से फिजिकल हो रहा है, क्या कैसा हो रहा है। सागर में भी चूंकि यहाँ पर फिजिकल है, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें समझते हैं जरा। और इसके अंतर्गत जो है परीक्षा भी आपको पता होगा कि अगस्त में ये आयोजित हुई थी, तो फाइनली ये अपडेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब सेंटर कौन कौन से बनाए गए हैं वो जरा जरूर देख लें। जो जिले मैंने 10 में बताए हैं उनके अंतर्गत इंदौर में पीटीसी ग्राउंड है इंदौर का, और भोपाल में सेनानी 7 बटालियन, और जबलपुर में है 6 वाहनी, और सागर में है 10वीं वाहनी, और ग्वालियर में 14वीं सेनानी वाहनी, और उज्जैन में भी 32 वाहनी। इस तरह से ये बहुत तरह की अच्छी खासी उमस पड़ने वाली है, तो उसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपने तैयारी गर्मी में की है और निश्चित रूप से 1 से 2 मौसम जरूर लगते हैं आपके फिजिकल होने में। कोई भी रिटर्न एग्जाम हो तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यही है कि बरसात रहेगी तो आपको रोड पर दौड़ने की कोशिश ज़्यादा करना है, क्योंकि सामान्यतः ये देखा जाता है कि जब भी मैदान गीला होता है तो रोड पर दौड़ा दिया जाता है, तो इसकी तैयारी आपको अच्छे तरीके से करना है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक जिनका एग्ज़ाम है, और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो फिजिकल को लेकर तो ज़रूर आप भेजें, हम उसमें उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ग्रेट डे।